पाइनएप्पल टिक्का जी। ओके, और ये हमारा कुल्हड़ टंगड़ी है, और ये सालसा फ्राउंस है। सिगड़ी खजाना, मतलब ये डिश का नाम ही सिगड़ी का सिगड़ी खजाना जी। कुल्हड़ टंगड़ी और ये है प्राउंस। बिरयानी इस तरीके से आती है, ये रोटी से ढक करके इसको दम दिया जाता है जी। वाह क्या बात है, इसमें क्रीम भी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज बरकाती है और आज जो मैं हूँ सिवड़ी के अंदर हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ गुजरात का मशहूर वो मारूफ ब्रांड सिगड़ी को। आप लोगों को पता होगा कि गुजरात की एक बड़ी ही मशहूर चैन है सिगड़ी। सिगड़ी एक वो चैन है जिसके अंदर हिंदुस्तान की सबसे लंबी जो है सिख बनाती है। ये तो मैंने खाली शुरुआती बात बताई है, लेकिन बहुत सारी खसूसियात है। अब मुंबई वालों के लिए खुशकिस्मती ये है कि अगर आपको कभी सिगड़ी गुजरात किसी भी सिगड़ी में जाने का इत्तफाक अगर नहीं हुआ है, तो आपके डोर स्टेप पे आपके पड़ोस के अंदर इस वक्त जो है सिगड़ी के अंदर जो है सिगड़ी की जो ब्रांच खुल चुकी है, सिगड़ी की फ्रेंचाइजी खुल चुकी है। तो मैं आज उसी को एक्सप्लोर करने आया हूं, और जैसा मुझे अंदाजा था और वैसा ही मैंने पाया है यहां पे भी। वो तमाम डिशेस जो सिगड़ी गुजरात के अंदर सूरत के अंदर जो मिलती है, वो तमाम चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, पूरी तफसील देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आया कैसा जाता है। दोस्तों मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ वो सिवड़ी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में खड़ा हूँ। सिवड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप जब निकलेंगे वीटी की तरफ जाने वाली जो रास्ता है वहीं पर ये है। अगर आप देख सकते हो कि कितना करीब है कि ये ट्रेन जो है आपको नजर आ रही होगी। और यहाँ पे आने का दूसरा फेमस लैंडमार्क जो है यहाँ का सिवड़ी कोड है। सिवड़ी कोड से आप जैसे ही अंदर आओगे तो आप इस सड़क पे आ जाओगे, और इस तरफ से सिवड़ी मेन रोड से जो सिवड़ी फाटक का जो रास्ता है वहां से आ सकते हो। तो आप ट्रेन से आ सकते हो, आप सिवड़ी कोर्ट से आ सकते हो, और आप जो है ये फाटक वाले रास्ते से आ सकते हो। और इसके साथ ये ना यहाँ पे जो है पार्किंग का बहुत बेहतरीन इंतजाम है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं मेन रोड के ऊपर ही हूँ। चलिए आइए, आगे की तफसीलात मैं आपको मुहैया कराता हूँ। जैसे ही आप अंदर दाखिल होगे, एक खूबसूरत सा हॉल हस्ब मामूल जो है वो आपका इस्तकबाल करेगा। यहाँ पे डाइनिंग का इतना अच्छा और सुकून से इत्मीनान है कि आपको मेरे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं। और ये तो अभी शुरुआत है इनकी, क्योंकि सिगड़ी का ब्रांड जब यहाँ पे आया है तो अगर आप इनके देखेंगे ना फ्रेंचाइजी बड़े 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 रहते हैं, लेकिन अभी ये चूंकि शुरुआत है आगे भी इसका जो है एक्सपेंड होगा। और इसके साथ ही अंदर एक PDR है, आइए मैं आपको PDR दिखाता हूँ। ये देखिए ये खूबसूरत सा जो PDR है, यहाँ पे भी आप बैठ करके अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे डाइनिंग कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो हूँ मेरे घर के बच्चों के साथ यहाँ पे आया हूँ। और आपको और एक बात बताऊं कि अगर आप किसी तरह से बर्थडे मनाना चाहते हो, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन करने चाहते हो, तो ये PDR आपको मिल सकता है, लेकिन वीकेंड में नहीं, ऑफ वीकेंड के अंदर। और सिर्फ आपको कोई किराया वगैरह नहीं देना है, आपको सिर्फ जो आप मंगाओगे जो मेनू रहेगा वही आपको पे करना है। और इसके अलावा जो है इसके भी कुछ टाइमिंग है, और मजीद तफसीलात जो है स्क्रीन पे जब मैं फोन नंबर दूंगा तब आप देख लेना। मैंने आपको यहाँ का लोकेशन बता दिया, मैंने आपको यहाँ का जो है ये वॉक अराउंड बता दिया। अब जो है इंतजार है मुझे यहाँ का कि जैसे ही स्टार्टर मुझे सर्व होते हैं मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ। दोस्तों स्टार्टर सर्व हो चुका है, और अभी समझते हैं कि क्या क्या सर्व हुआ है। सर ये हमारा पाइनएप्पल टिक्का है। पाइनएप्पल टिक्का, और ये हमारा कुल्हड़ टंगड़ी है। कुल्हड़ टंगड़ी जी। ओके, और ये सालसा फ्राउंस है। ये सिगड़ी खजाना है। सिगड़ी खजाना, मतलब ये डिश का नाम ही सिगड़ी का सिगड़ी खजाना जी। अच्छा, इसमें खसूसियत क्या है, मतलब सबके अंदर? माइल्ड आएगा आपको। ओके, और ये भी माइल्ड रहेगा। ओके, ये भी माइल्ड रहेगा आपको। ओके, इसमें सर आपको स्पाइसी भी है और माइल्ड भी है। उसमें कितने तरीके के कबाब है? इसमें 4 तरीके के कबाब हैं। और एक एक की क्वांटिटी कितनी है? 4-4 पीस है सर, और टंगड़ी हमारी 2 पीस है। ओके, और चिकन सीख 1 पीस है। अच्छा, ठीक है। इसमें हमारा 4 पीस चिकन टिक्का है। ओके, और ये मलाई कबाब है। ओके, बंजारा कबाब है, 2 पीस टंगड़ी कबाब है, और 1 पीस चिकन सीख है। ठीक है जी सर। तो ये है पाइनएप्पल टिक्का, कुल्हड़ टंगड़ी, सालसा प्रॉन्स यानी सालसा झींगा, और वो स्टार्टर्स में है।
चिकन टिक्का। चिकन टिक्का गुड। मलाई टिक्का। मलाई टिक्का ओके। स्पेशल टिक्का। स्पेशल टिक्का ओके। तंगड़ी कबाब। तंगड़ी कबाब। चिकन सीख कबाब। चिकन सीख कबाब। दोस्तों स्टार्टर सर्व हो गए, जैसे आपने सब देखा, पूरी डिटेल आपके पास आ गई है। एक्चुअली ये इतना बड़ा ग्रुप है ना कि अगर ये खा के मैं बोलूं कि ये अच्छा बना कैसा बना कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, मतलब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतना बड़ा नाम है ना कि मैं क्या कहूँ। अब ये देखिए कुल्लड़ तंगड़ी, आप देखिए ये, इसके साथ जो सॉस यूज़ की गए ना, आपको ये सॉस कहीं नहीं मिलेंगे जल्दी। बहुत ही चटपटा है, शायद ही मैंने इतना चटपटा कभी खाया होगा। और ये है प्राउन्स, सी फूड है मगर बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही जायकेदार है। और अगर आपको समझना है कि ये लोग वाकई दूसरी जगह इनके डिश अलहदा क्यों है, तो आपको एक बार जो है सिगड़ी के अंदर आना पड़ेगा। कहीं पे भी जाओ, और अगर आप मुंबई से हो और अगर गुजरात या दूसरी ब्रांच में नहीं जा सकते, एक बार सिगड़ी के अंदर आके खा के देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और जैसा नाम है, जैसा यूनिकनेस है, वो तमाम चीजें मुझे यहाँ पे भी मुंबई के अंदर भी वैसा ही टेस्ट मिला जैसा मुझे सूरत में मिला। सिगड़ी के जायकेदार स्टार्टर खाने के बाद आपने देखा है कि कितने लजीज लजीज जो है, जिसको देख के ही समझ में आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है कि भाई ये कितने लजीज पकवानात है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, उस्ताद हमारे हमरा है, ये सिगड़ी का ये आइटम क्या है? ये सर ये चिकन शाम सवेरा है। शाम सवेरा जी, चिकन शाम सवेरा। ग्रेवी आइटम है, नीचे जो है सर वो स्पाइसी है ओके, ऊपर चीज और क्रीम का ओके जूसी बना के ऊपर से डालते हैं। अपना बटर रोटी है ओके, बटर नान है ओके, और ये लच्छा पराठा है। लच्छा पराठा जी, ये हमारा दो टाइप का राइस है, थाउजेंड राइस है। अच्छा, एक ग्रीन है एक वाइट, उसके साथ में ग्रेवी आता है। और वो जो है मटके के अंदर क्या है? मटकी जो है वो बिरयानी है सर। बिरयानी इस तरीके से आती है, ये रोटी से ढक करके इसको दम दिया जाता है जी। वाह क्या बात है। तो चलिए दोस्तों ये हम लोग, तो ये है शाम सवेरा, इसमें क्रीम भी रहती है, चीजी क्रीम। वाह, और ये क्या कहा इसका नाम? थाउजेंड राइस। वाह, इस ग्रेवी के साथ इसको खाया जाता है। चाइनीज का चटपटापन तो अपना अलग ही मुकाम रखता है। पूरे हिंदुस्तान में कम से कम जितना मैंने पढ़ा है 360 तरीके की बिरयानी पूरे हिंदुस्तान में बनाई जाती है कम से कम। और उसके अंदर ये जो सिगड़ी की जो बिरयानी है ना, ये बहुत फेमस है। और मैंने तो जब सिगड़ी में जब मैंने एक्सप्लोर किया था, तो मैंने हर फैमिली हर टेबल पे मैंने देखा था कि वहाँ पर जो है वो बिरयानी थी नहीं थी मतलब। तो चलिए दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं। क्रीमी और चटपटा, और ये जो है 1000 चाइनीज 1000। ये मैं हरे फ्लेवर वाला चावल लिया हूँ। और ये यहाँ की बिरयानी। अगर आप जायकों की तलाश में मुख्तलिफ जगह जाते हो और आप जगह जगह ट्राई करते हो, तो आप जहाँ जाते हो तो वहाँ जरूर जाइए, मगर एक बार जो है आप सिगड़ी सिवड़ी के अंदर जरूर आइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। गारंटी देता हूँ कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा यहाँ पे खाना खाने के बाद। जामुन शॉट, ओह वाह माशाल्लाह क्या बात है। तो अयाज भाई जी, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, सिगड़ी रेस्टोरेंट में आए, हमको बहुत ही खुशी हुई। और हमारे आपने प्रोडक्ट्स और हमारे फूड को टेस्ट वगैरह किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और ये जामुन शॉट आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, काफी लजीज है। ये पूरा जामुन का बना हुआ है? बिल्कुल प्योर जामुन पल्प का बना हुआ है। इसके अंदर जो नमक जो इसमें आ रहा है ना, और जो जामुन का ये कॉम्बिनेशन का जो स्पार्क है ना, वो बहुत जबरदस्त। तो सिगड़ी के अंदर ये इसके अलावा मतलब ये डेजर्ट में क्या है? इसके अलावा डेजर्ट में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अखरोट हलवा है, अंजीर हलवा है, और गुआवा आइसक्रीम है मसाला मार के, जो की बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल ऑथेंटिक मसाला मार के। अरे वाह,
बहुत ही बेहतरीन है और इसका टेस्ट सबसे जुदा है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा भाई। मैं यहाँ सिगड़ी के अंदर आया क्योंकि सिगड़ी ब्रांड से तो मैं पहले से मैं जानता हूँ। मुझे मेरे शहर के अंदर सिगड़ी खुली है उसकी मेरी इतनी खुशी है ना, आप मेरे वीडियो में भी आप देखोगे, मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया मुझे। तो अभी आगे का आपका प्लान क्या है? आगे का हमारा प्लान है कि भाई इसमें और भी अच्छे से अच्छे ऑथेंटिक डेजर्ट वगैरह इस्तेमाल करें और इसको एक्सपांड करें। ओके, सीटिंग एक्सपांड करें और हमारा टेस्ट ही ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अपने पास जोमेटो स्विगी ऑनलाइन डिलीवरी का क्या निज़ाम है अभी? अभी स्विगी हमारा ऑलरेडी लाइव है, जोमेटो ऑन द वे है और हमारी खुद की होम डिलीवरी सर्विसेज है जो कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं हमारे राइडर्स। तो दोस्तों, ये मेरे साथ जो दो लोग हैं, ये यहाँ के तीन पार्टनर में से ये दो पार्टनर हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए। मैं अब ये खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी, अल्लाह की दी हुई अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्जत है। तो मेरा खुद का तजुर्बा जो है सिगड़ी को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा रहा है। और आप अगर इस रेस्टोरेंट के ताल्लुक से अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप जो है किसी भी तरीके की इंक्वायरी हो, चाहे ये आपको PDR बुक करना हो या आप ऑनलाइन कुछ मंगाना हो, जो भी हो, स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। साथ ही साथ इनकी खुद की सिगड़ी की खुद की एक इंस्टाग्राम की अपना पर्सनल पेज है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, स्क्रीन पे दे दूंगा। किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी हो तो आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं। जगह जगह आप जाते हो तो एक बार आप जरूर आइए। इसी के साथ ही इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत जल्द भी दोबारा आपके सामने रूबरू होऊंगा। खुश रहिए, इंजॉय कीजिए।